हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएक्स फार्मा एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम जानेंगे ओमेस कैप्सूल्स के बारे में। ओमेस कैप्सूल्स एक कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन है जो ओमेप्राजोल कंटेन करता है। ये कैप्सूल मेनली एसिडिटी, हार्टबर्न और पेप्टिक अल्सर्स जैसे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, PPI। ये स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक दैट प्रोड्यूसेस एसिड। कम एसिड प्रोडक्शन से एसिडिटी और हार्टबर्न के सिम्टम्स रिलीफ होते हैं और अल्सर्स जो है हील होने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी और हार्टबर्न, अगर आपको फ्रीक्वेंटली हार्टबर्न होता है तो ओमेस कैप्सूल्स इससे रिलीव करने में काफ़ी एक्टिव जो है इफेक्टिव है। यह मेडिकेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइंस में अल्सर्स हील करने में मदद करता है। GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये कंडीशन में भी स्टमक एसिड एसोफेगस में बैकफ्लो होता है जिससे इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट होता है। ओमेज इसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जोलिंगर एलिसन डी सिंड्रोम, ये रेयर कंडीशन है जिसमें स्टमक एक्सेस एसिड जो है प्रोड्यूस करने लगता है। ओमेज कैप्सूल्स जो है इस कंडीशंस को भी मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ओमेज कैप्सूल्स यूजुअली डॉक्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डेली ली जाती है। इसे ब्रेकफास्ट से पहले एम्प्टी स्टमक पर लेना बेस्ट होता है। कैप्सूल्स को पूरा सॉलो करें चाहिए जो है सॉलो करना चाहिए बिना च्यू किए या क्रश किए। हर मेडिकेशन की तरह ओमेस कैप्सूल के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे डिजीनेस, स्टमक पेन, डायरिया, नोजिया एंड हेडेक। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है सीवियर या हो या परसिस्ट ज़्यादा परसिस्ट करने लगें तो अपने डॉक्टर को जो है कंसल्ट ज़रूर करें। ओवरऑल दोस्तों, ओमेस कैप्सूल्स एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एसिडिटी, हार्टबर्न और अल्सर्स के लिए। प्रॉपर डोसेज और डॉक्टर्स की गाइडेंस या फार्मासिस्ट की गाइडेंस ये मेडिकेशन जो है आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज से रिलीफ दे सकती है और आपको कंफर्टेबल लाइफ जीने में मदद करता है। हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और किसी भी अनयूजुअल सिम्टम्स के केस में जो है उन्हें इन्फॉर्म करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।